Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hello children, how are you all? Good morning everybody. I am Sheikh Sumaiya on behalf of SDMES Boys English Medium School. We'll teach you today the hard words and the question answers of our subject English 1 and our chapter number is 7, What is the time? जैसे हम लोगों ने पहले lesson number 7 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था, डिड यू ऑल नो दैट? आप लोगों ने ये देखा होगा वीडियो, राइट? ये वाला वीडियो हम लोगों ने देखा है एक्सप्लेनेशन का. तो इसके जो हार्ड वर्ड्स है, जैसे ये रेड लेटर्स में लिखे हुए हैं, ये हार्ड वर्ड्स हम लोगों को 5-5 times लिखने होते हैं. और जैसे यहाँ पर है डिसअपियर्ड, इन्वेंटेड, पेंडुलम, क्वॉज, ये सब के हार्ड वर्ड्स आप लोगों को लिखने हैं. ये इसका ट्रू और फॉल्स और ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी और ये क्वेश्चन आंसर्स हमारा पेंडिंग था. तो ये क्वेश्चन आंसर्स भी आज हम कंप्लीट करेंगे. ऑल राइट चिल्ड्रेन, तो पहले आप लोगों को ये हार्ड वर्ड्स अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं. ये हमारा है वर्कशीट नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 का व्हाट इज़ द टाइम इंग्लिश 1. टुडेज डेट, डोंट फर्गेट टू राइट द डेट, 19/10/2020 मंडे. Write the given hard words 5 times in your notebook. Number 1, measure, M-E-A-S-U-R-E, measure. Number 2, movement, M-O-V-E-M-E-N-T, movement. Number 3, observed, O-B-S-E-R-V-E-D, observed. Number 4, shadows, S-H-A-D-O-W-S, shadows. Number 5, disappeared, D-I-S-A-P-P-E-A-R-E-D, disappeared. Number 6, invented, I-N-V-E-N-T-E-D, invented. Number 7, pendulum, P-E-N-D-U-L-U-M, pendulum. Number 8, quads, Q-U-A-R-T-Z, quads. यहाँ पर ये हमारा जो R है, ये silent है, इसको हम quads पढ़ेंगे, right? Measure, movement, observed, shadows, disappeared, invented, pendulum and quads. तो हमको सिर्फ ये 8 hard words जो है वो complete करने हैं. उसके बाद यहाँ जो question answers हैं ये हम लोगों को लिखना है. Answer the following questions. Now question number 1. How was the time measured in olden times? यानी पुराने जमाने में टाइम को किस तरह से मेजर किया जाता था. आंसर नंबर 1, इन olden times टाइम was measured by seeing the position of heavenly bodies such as the sun in the morning and the stars at night. है ना, हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था ये कि पुराने ज़माने में सन और मून की पोजीशन से मॉर्निंग और नाइट का टाइम डिसाइड करते थे. पीपल ऑल्सो यूज्ड टू टेल टाइम बाय लुकिंग एट द शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम. ये भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वो सन डायल बनाया होता है और उसके शेडो के हिसाब से नक्की होता था कि भाई ये अभी डे टाइम है तो डे का मॉर्निंग है या इवनिंग है या आफ्टरनून है. लेटर केम द आर ग्लास, और उसके बाद आर ग्लास इन्वेंट हुआ जिसमें वो सैंड ऊपर नीचे होती है ना, दैट वाज द आर ग्लास. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु इन्वेंटेड द कैंडल क्लॉक्स, कैंडल क्लॉक्स किसने इन्वेंट किया था. आंसर 2, Chinese invented the candle clocks. Candle clocks Chinese ne invent kiya tha. Question number 3, How did a candle clock work? Ab ye batana hai ki candle clock kis tarah se kaam karti thi. Answer 3, The candles had lines at equal distances. Candles ke upar equal distances par lines draw ki hui hoti thi. The distance between two lines showed that a certain length of time had passed. और वो जो दो lines के बीच की जो space होती थी
वो अगर बंट हो जाए तो पता चलता था कि इतना टाइम पास हो चुका है. एज द कैंडल्स बर्नड दी बिकेम शॉर्टर एंड शॉर्टर. और जैसे जैसे कैंडल्स बर्न होती थी वो कैंडल छोटी और छोटी होती जाती थी. एंड द लाइन्स डिसअपियर्ड वन आफ्टर अनदर. और वो लाइन्स डिसअपियर हो जाती थी यानी गायब हो जाती थी एक के बाद एक. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ ग्रैंडफादर क्लॉक. ग्रैंडफादर क्लॉक क्या है. आंसर 4, द फर्स्ट क्लॉक्स वर वेरी टॉल एंड कॉल्ड ग्रैंडफादर क्लॉक्स. जो पहली क्लॉक थी वो बहुत टॉल थी. ये वाली हमारी ग्रैंडफादर क्लॉक है, राइट. तो ये जो बहुत बड़ी थी फर्स्ट क्लॉक, इसको हम कहते थे ग्रैंडफादर क्लॉक्स. तो यहाँ पर चिल्ड्रन हम लोगों ने ये क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है. ओके, थैंक यू.